अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उमर मंसूर है। मैं लंदन बेस्ड पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर हूँ। मैंने लंदन के अंदर 2008 के अंदर अपना लेबल स्टार्ट किया और सिंस देन मैं मुख्तलिफ फैशन वीक्स, जिनमें लंदन फैशन वीक, बहरीन फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक और मज़ीद शामिल हैं, उनमें अपनी कलेक्शन को शोकेस करता आ रहा हूँ। मेरा ओरिजिनली जो ताल्लुक़ है फैसलाबाद से है और एक टेक्सटाइल बैकग्राउंड से है, और चूँकि मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में अच्छा था और टेक्सटाइल का बिज़नेस तमाम रिलेटिव्स का वही था, सो मुझे एक्सपोजर एक छोटी उम्र में मिल गया अपने आर्ट को टेक्सटाइल का मिक्स करके। मेरी स्पेशलिटी या जिससे कह लें सिग्नेचर जो है मेरा, वो है एक हल्का सा फ्यूजन जिसके अंदर मामूली सा पाकिस्तान का एलिमेंट हर डिज़ाइन और हर कलेक्शन में नज़र आता है। तो चाहे वो एम्ब्रॉयडरी की सूरत में हो या वो किसी प्रिंटिंग टेक्निक की सूरत में हो या वो फैब्रिक्स की सूरत में हो, उसके अंदर क्योंकि मेरी टारगेट मार्केट और क्लाइंटल वेस्टर्न है और पूरी कलेक्शन वेस्टर्न मार्केट के लिए बनती है, लेकिन इसके अंदर जो एज है वो हमारा पाकिस्तानी स्टैम्प है। इन माय ओपिनियन प्रिसाइजली अ गुड फैशन डिजाइनर इज समवन हु फॉलोज द पल्स ऑफ द मार्केट विद हिज सिग्नेचर स्टाइल। So he doesn't just make anything and ask people to wear it, but he knows what the market actually wants, what they can wear and what they can accept. So it involves fashion forecasting, the forecasting of fabrics, the forecasting of colors, and then you merge that all with your own signature style, and then you came up with the right product for the right market. Only then you can be called a good fashion designer. Designers naye design banate hain, मासेस उन डिज़ाइंस को एक्सेप्ट करते हैं। जब तक एक डिज़ाइन एक्सेप्ट ना हो जाए वो फैशन नहीं बन सकता। फैशन बनाने के लिए और मासेस तक पहुंचाने के लिए एक अगर एक लिमिटेड क्लास एक डिज़ाइन पहन रही है, जैसे कि अमूमन होता है जो है डेवलपिंग ममालिक में, कि वो एक एलीट क्लास एक फैशन करती है, वो सिर्फ उन्हीं तक महदूद होता है। लेकिन जब वो मिडिल क्लास और बाकी ट्रिकल डाउन इफेक्ट के साथ तमाम लोगों के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, तब वो फैशन बनता है। सो फैशन इज़ नॉट ऑल अबाउट कि जी जो मैंने बना दिया वो सब पे लागू हो गया, वो सब पे लाजिम हो गया पहनना। जी नहीं, जो मैंने बनाई हैं डिज़ाइंस उनमें से कौन सा है, एक डिज़ाइन, दो डिज़ाइन, चंद डिज़ाइन मासेज एक्सेप्ट करते हैं, जो वो पहन सकते हैं कम्फर्टेबली, वही फैशन में बनता है। कम्फर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ फैशन। स्टोरी तो अभी शुरू हुई है, स्ट्रगल चलता रहेगा आखिर तक, और ये एक सफ़र है। अभी मेरी चॉइस है कि मैं इसको इंग्लिश वाला सफ़र देखूं या उर्दू वाला सफ़र देखूं, और यही मैं सबको कहूंगा कि जब भी आप कोई भी कैरियर स्टार्ट करते हैं तो वो एक जर्नी होता है, उसमें डेस्टिनेशन आपके रिटायरमेंट के साथ ही है या आपकी एंडिंग के साथ है। तो मेरे जो सफ़र अभी चल रहा है मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इसका स्ट्रगल भी, क्योंकि ये मेरी पसंद का प्रोफेशन है, इसमें मुझे थकावट नहीं होती, चाहे मैं 16 घंटे भी काम करूं और मुझे करना पड़ता है। सितंबर 2008 में चार्ल्स मिला फैशन वीक में मैंने अपनी कलेक्शन की, और उस कलेक्शन में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी डिज़ाइन और फैशन का एम्ब्रॉयडरी और ये एलिमेंट था सुजन कारी का, वो प्योर सिल्क्स पे थी, उसके कलर्स ब्राइट थे। मैं चूँकि वो मेरी भी पहली कलेक्शन थी आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ माई स्टडीज़, तो मैं उसमें हर चीज़ जो मैंने सीखी थी डाल के दिखाना चाह रहा था। वो एक ओवरवेलमिंग कलेक्शन थी मेरे लिए, उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट मेरे हिसाब से था, क्लाइंट के हिसाब से कम था। और फिर मुझे फीडबैक आना शुरू हुआ, एक फीडबैक होता है प्रेस की जानिब से,
कि जी तस्वीरें अच्छी लगी, मॉडल्स अच्छी पहनी, सेटअप अच्छा था, अच्छी तस्वीर हमने पब्लिश कर दी। फिर मुझे फीडबैक आना शुरू हुआ स्टॉकिस्ट्स और बुटीक्स जानिब से कि ये कपड़े देखने में बहुत अच्छे हैं, ये मेंटेन करने में यूके के लाइफस्टाइल के लिए थोड़े मुश्किल हैं, इनको आसान करो। फिर मैंने फैब्रिक्स चेंज किए, फिर मैंने उसे समझा कौन से एक्चुअल फैब्रिक्स हैं। ज़रूरी नहीं कि लग्जरी के नाम पे आप वही बेचें जो आप समझें दुरुस्त है। लग्जरी वो है जो पहनने वाले को कंफर्टेबल लगे, और उसकी बाद में मेंटेनेंस कैसे होगी, क्या कोई ड्राई क्लीनर ऐसा ड्रेस पकड़ने को भी तैयार है ड्राई क्लीनिंग के लिए या नहीं। तो ये सब कुछ बहुत डिटेल एलिमेंट्स हैं जो कि मुझे माइनर एलिमेंट्स लग रहे थे बट दे टर्न आउट टू बी अ बिग मेजर इश्यूज़। वो समझे उनके मुताबिक अपनी कलेक्शन को मैंने आप समझिए टर्न अप और टर्न डाउन भी किया। तो जब वो एस्पेक्ट्स डाले फिर सेल्स आनी शुरू हुई, क्योंकि मेरा डे वन से फोकस सेल्स ओरिएंटेड था। मेरे लिए बिज़नेस है, बिज़नेस था, और ये एक आप जद्दोजहदी काम आगे लेके जा रहे थे, ना कि ये कि जी मेरे पास और सोर्सेज ऑफ इनकम है और मैं अपने शौक से मैं जो बनाता हूँ मैं अपने आप को खुद ही स्टार इम्तियाज और तुमका इम्तियाज दे के अपने आप को कोई ना कोई टाइटल दे दूँ। सो वो मकसद था ही नहीं, वो मकसद अचीव भी नहीं किया। अव्वल तो जी मेरे पास राइट नहीं है ऐसी इंडस्ट्री पर कमेंट करने का जहाँ मैं खुद काम नहीं कर रहा। ये बड़ा आसान काम है देख के कहना कि जी हो सारे एक जैसे ही बना रहे हैं, आप मॉल में चलें आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे विंडोज़ चेंज हो रही हैं, कोई ऊपर नाम भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सबकी विंडो विजुअल मर्चेंडाइजिंग एक जैसी है। लेकिन एक्चुअली लोग वही बना रहे हैं जो बिक रहा है। तो अगर फुल स्लीव और मॉडेस्ट कट्स बिक रहे हैं क्योंकि मासेस वो पहनना चाह रहे हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट गुज़श्ता 16 साल में जब से मैं पाकिस्तान छोड़ के इंडस्ट्री को दूर से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो मेरी तो बर्ड्स आई व्यू है, उसमें तो इंडस्ट्री ने ग्रो ही किया है। पहले जो होता था कि एक क्लासिक शलवार ही पहनी जाती थी कुंदों वाली, अब उसकी जगह ट्राउज़र्स आ गए, डिफरेंट कट्स, बेल बॉटम्स आ गए, कैप्रीज बीच में आई, शरारे कॉटन में आ गए, काफ़ी कुछ बच्चों ने जो नए आए ग्रेजुएट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। उनमें से सर्टन चीज़ें जो मासेज ने एक्सेप्ट कर ली वो रह गई, जो नहीं एक्सेप्ट की वो चली गई। फैशन है ही ये, फैशन में एवोल्यूशन है, और सो डज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोगों का मिजाज जो है वो फैब्रिक क्वालिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है कि जी अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए। सो एक सर्टन एज ग्रुप के जो ख़वातीन हैं वो प्योर फैब्रिक की तरफ जाती हैं, जो यंगस्टर्स हैं उनको फैब्रिक की ज़्यादा पहचान और बॉदरेशन नहीं है। तो इस हिसाब से मेरे अगर मैं 16 साल का ग्राफ निकालूं तो ग्राफ इवेंचुअली ऊपर ही गया, दो वो कई दफ़ा नीचे आया भी है मेरे ओपिनियन में, नीचे गिरा भी है मेरे ओपिनियन में, लेकिन वो उठा ही है। सो जो ऑन द होल पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री ने ग्रो ही किया है। के अंदर सुजाना रीड ऑस्कर्स अवार्ड्स के जो ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं उसकी तकरीब के कवरेज के लिए जा रही थी। वो सुजाना रीड बीबीसी की मॉर्निंग शो की प्रेजेंटर, तो उनकी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप। उन्होंने मेरा एक ड्रेस जो है वो ऑनलाइन ख़रीदा और वो पहन के चल पड़ी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ड्रेस बिका है वहाँ पर और वो पहन रहेंगी। जब मैंने स्क्रीन पे देखा, चूंकि वो ड्रेस ऑन द होल रिसेंटली मैंने बहरीन फैशन वीक और लंदन फैशन वीक पे शोकेस किया हुआ था तो उसकी काफ़ी विजिबिलिटी थी। सो मुझे कॉल आई कि तुम्हारा ड्रेस टीवी पे आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने चेक किया वाकई था। तो मैं तो मेरा टीवी थोड़ा हाइट पे लगा हुआ था दीवार पे, तो मैं ऐसे करके सारा देखता रहा कि वो पहना हुआ उन्होंने ड्रेस पे। उसके बाद उनको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स मिले उस ड्रेस के मुतालिक, लोगों ने पूछा, उन्होंने बताया, फिर उन्होंने ट्वीट किया मुझे टैग करके कि जी उमर मंसूर मेक्स ड्रेसेस फॉर रियल वेमेन और ब्यूटीफुल ड्रेसेस फॉर ब्यूटीफुल वेमेन, ऐसे कह के। तो मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद लेकिन इसके अराउंड उन्होंने कुछ ट्वीट किया था 2009 में। तो उसके बाद ऑब्वियसली ट्विटर पे टैग होने के बाद जो लोग उनको फॉलो कर रहे थे पूछ रहे थे, उन्हें जवाब मिल गया कि किस डिज़ाइनर का ड्रेस है। तो उससे मुझे बहुत सारा एक्सपोजर और अच्छा फीडबैक और अच्छी सेल्स दी। उसके बाद आप समझ लीजिए रॉयल एस्कॉट, चूँकि हॉर्सेस होता है वहाँ पे, हर मेजेस्टी द क्वीन वो होस्ट कर रही होती हैं,
वहाँ पे जब मुझे अपनी पहली कलेक्शन बनाने का मौका मिला शोकेस करने का, उससे काफ़ी ही बड़ा आप समझिए कैरियर बूस्ट मिला। और उसके बाद से और इवेंट्स भी ऐसे रहे, जैसे कि जो उज़्बेकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक फैशन शो रखवाया ताशकंद के अंदर, ताशकंद के टूरिज्म प्रमोशन के लिए, तो वहाँ पर जाके जो मौका मिला वो एक काफ़ी यादगार है, क्योंकि वो कई सौ साल पुराना वेन्यू था जहाँ पर उन्होंने वो इवेंट रखवाया था। तो ऐसे सेटअप के अंदर शोकेस करना और फिर ऐसी मेहमानदारी और मेहमान नवाजी उनकी जो है, उसने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कराया। अभी लॉकडाउन से पहले मैंने एक फैशन शो किया था वो लंदन में ही, लेकिन वो उनके काफ़ी एक अच्छे वेन्यू पे था और एक बच्चों की चैरिटी के लिए था फंडरेजर, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा शोकेस करके। सो डिपेंड करता है आप कब कौन सी कलेक्शन कहाँ दिखा रहे हैं, उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है, लेकिन ये चंद वो इवेंट्स हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि ना से मुझे ज़ाती तौर पे खुशी हुई, लेकिन उसका इफेक्ट वो जो लेबल और ब्रांड के ऊपर है वो भी बहुत अच्छा है। फॉर मी देखिए जी, फैशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू एवरी वन इन माई ओपिनियन, ठीक है ना। अगर आप देख लें यहाँ पे मर्द हज़रात पाकिस्तान में कुछ शलवार कमीज़ पहनते हैं, उनके लिए शलवार कमीज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल एंड हैंस फैशन। जब उन्हें किसी फॉर्मल इवेंट पे जाना हो, उनको कोई एक्सपेंसिव बाइंग भी करनी हो, वो शलवार कमीज़ में ही एक्सपेंसिव ब्रांड या एक्सपेंसिव बाइंग करेंगे। और जो जीन्स पहनते हैं या ट्राउजर्स या वेस्टर्न स्टाइल से इंस्पायर्ड ड्रेसिंग करते हैं वो उसके अंदर करेंगे। When it comes to me, मेरा पर्सनल फैशन जो मैं ख़ुद पहनता हूँ वो बहुत बेसिक और सिंपल कलर्स होते हैं, क्योंकि मुझे एक दिन में कई दफ़ा तीन चार मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे मीटिंग्स आ जाती हैं कि मुझे न्यूट्रल ड्रेसिंग करनी होती है जो हर तरफ चल जाए। लेकिन जब मैं कहता हूँ फैशन एज अ बिज़नेस, फॉर मी इट्स अ बिज़नेस जी, मेरा करियर है। अगर बैंकिंग कर रहा होता तो फिर मैं बैंकिंग में तवज्जो दे रहा होता, अगर मैं किसी एड एजेंसी में ब्रांड मैनेजर होता तो मैं उन ब्रांड्स की तरफ तवज्जो देता जिनको मैं मैनेज कर रहा होता। तो फॉर मी इट्स अ फैमिली बिजनेस जो कि कुछ नस्लों से चला आ रहा है, और मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि ये मेरा लेबल मेरे नाम से है, दूसरी ज़िम्मेदारी ये भी है कि इसके अंदर मेरे बड़ों का नाम भी शामिल आ जाता है। तो फिर मुझे इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली और काफ़ी हर दफ़ा देखना होता है कि कोई ऐसा इम्पेक्ट ना आए जिससे वो जो आ रहा है जर्नी पीछे से उसके ऊपर कोई असर आए। ट्रेंड्स की फोरकास्टिंग भी अब होती है कि कलर्स कौन कौन से होंगे अगले सीजन्स के, ठीक हो गया। उसके अंदर फिर देखा जाता है कि कट्स कौन कौन से चल रहे हैं इस वक्त। अगर ख़वातीन के अंदर शर्ट ड्रेस, जैसे कि जो मर्दाना शर्ट को ही लंबा करके उसको ड्रेस की शक्ल दी जाती है वेस्ट में, और उसी से इंस्पायर्ड जो ख़वातीन की यहाँ शलवार कमीज़ के साथ कमीज़ को जो वेस्टर्न मर्दाना कमीज़ को लंबा करके उससे इंस्पायर्ड कफ वाली शर्ट बनाते हैं, वो देखना होता है कि किस फिट में चल रहा है लोग किस, जैसे कि अभी लॉकडाउन के दिनों में लोग लाउंज वेयर ज़्यादा पहन रहे थे जिसमें पायजामाज आ गए, निट वेयर ज़्यादा आ गया, उसमें वोवन फैब्रिक की सेल्स और डेनिम की सेल्स अफेक्ट हुई हुई थी। वो ट्रेंड तो नहीं था, वो तो एक लाइफस्टाइल का फोर्सफुल एलिमेंट था, लेकिन जब आप ट्रेंड फोरकास्ट कर रहे थे, जैसे कि जब मैं कर रहा था मेरे लेवल पर, तो मुझे देखना होता है कलर कौन सा लोग पसंद कर रहे हैं, कलर बिग कौन सा रहा है, फोरकास्टेड कलर कौन से हैं, कट्स कौन से आगे और इस सीज़न में बिक रहे हैं, इन एलिमेंट्स को डाल के फिर उसके ऊपर मैं अपना सिग्नेचर स्टाइल ऐड करता हूँ कि इसमें से कितना मुझे दिखाना है अपना स्टाइल के पता चले ये उमर मंसूर का ही ड्रेस है या आउटफिट है। इन एलिमेंट्स को मिक्स करके आप समझ लीजिए ये होता है। फिर जब आप कलेक्शन एक जो बनाते हैं उसमें फिर आप अमूमन 30-70 का फार्मूला रखते हैं, 70% आप उससे रखते हैं कमर्शियल कि ये बिकेगी, 30% जो है आप उससे रखते हैं आर्टिस्टिक और क्रिएटिव कि ये रैम पे और प्रेस इमेजेस पे जाएगी इम्पैक्ट बनाने के लिए।
2022 में एक्चुअली अब दुनिया थोड़ी खुल रही है पोस्ट वैक्सीनेशन पोस्ट पेंडेमिक करना तो थोड़ा अर्ली है. सो लोग अब वापस इवेंट्स हो रहे हैं. अगर आप किसी को घर में बिठा दें वो बात आती है, किसी कपड़े बदल के कहाँ जाएं. तो कपड़े पहनने के लिए आपको जाहिर है बाहर निकलना है खुली जगह, उसके साथ ऑब्वियसली बाइंग लोग करते हैं. मुझे पर्सनली फील होता है कि डेनिम के लाइटर वर्जन अब आएंगे जिसके अंदर फैब्रिक्स जो कि सिर्फ आपके डेनिम ट्राउजर्स या जीन्स के अंदर नहीं आएंगे, उससे के बाकी ड्रेसेस भी बनेंगे. और ये ऐसा इंपॉर्टेंट फैब्रिक है. और उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ रही है वो सस्टेनेबल फैशन है कि फैशन सोर्स कहाँ पे हुआ है. अगर ये डेनिम की जीन्स बनी है तो इस पर कितने लीटर पानी लगा है, क्या ये रिसाइकल्ड एलिमेंट्स में फाइबर्स डले हैं, अगर ये पॉलिएस्टर है तो क्या ये पेट बॉटल को रिसाइकल करके बनाया गया है या फ्रेश ऑयल में से बनाया गया है. तो सस्टेनेबल फैशन इज़ बिकमिंग अ बिग थिंग इन वेस्ट और वेरी सून वो ईस्ट में भी लोगों को अवेयरनेस के साथ एक बड़ा बनेगा नया चैलेंज. सबसे पहले तो जी शॉर्टकट नहीं होता दुनिया में कुछ भी कर लो. आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लगा के समझते हैं आपका फैशन स्टोर अच्छा बन गया है, हकीकत में तो वो नहीं बना. ठीक है जी, जो लोगों की स्टेटमेंट्स हैं वो इतनी मैटर नहीं करती, बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा मैटर करती है. और तो उसके लिए आपको अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए. अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप टाइम पर डिलीवर नहीं कर रहे तो बहुत बाहर कंपटीशन है. और वो ये समझना कि जी पाकिस्तान में बहुत कंपटीशन है तो ये है वो है और बाकी दुनिया में तो बहुत आसान है, कि नहीं कहीं भी आसान नहीं है. आप जहाँ बैठे हैं कंपटीशन वहीं पे है, वहीं पे कीजिए मुकाबला उसका, प्रोफेशनलिज्म के साथ कीजिए, टाइम पे डिलीवर कीजिए. ये मत समझिए कि बस मेरा फलाने डिज़ाइनर के साथ फलाने मॉडल के साथ तस्वीर आ गई और शूट हो गया तो अब मैं सेल्फ क्या कहना चाहिए अचीवमेंट पर पहुँच गया या दैट्स अ पीक ऑफ माई कैरियर. कैरियर की तो पीक होती नहीं, ये तो एक सफ़र है, चलता रहता है, ग्राफ ऊपर भी होता है नीचे भी होता है. तो इन चीज़ों को समझिए और अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेट कीजिए, बेंचमार्किंग कीजिए, आउटसाइड फैशन कीजिए, कौन कामयाब है, क्यों कामयाब है, बाकियों के ऑटोबायोग्राफी सुन लीजिए. बच्चे अब आजकल पढ़ना नहीं पसंद करते तो चलें ऑडियो बुक्स हैं यूट्यूब पर, वो सुनिए, समझिए कि दुनिया में जिन्होंने तरक्की की किस तरह की और क्यों की, फैशन में जो तरक्की की क्यों की, अगर फैशन के बाहर किसी ने ऑटोमोबाइल में भी तरक्की की कहाँ से की स्टोरी शुरू हुई. तो ये चीज़ें जो हैं आप जो आपके रोज़ चैलेंजेस आते हैं उनमें आपको एक गाइडेंस देती हैं और अच्छा फैसला करने के लिए आपको एक विजन और नॉलेज फ्राहम करती हैं. डिस्कवर पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ये लॉन्ग ड्यू था और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ये आ गया है मार्केट के अंदर. जो इनका फोकस है, जो इनके मेन पॉइंट है कि जी पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज का पाकिस्तान का रियल इमेज मैं कहूँगा. पॉजिटिव इमेज तो तब होता है जब आप एक चीज़ को शुगर कोट कर रहे हो, ये तो वो दिखा रहे हैं जो कि एग्जिस्ट करता है, विच इज़ द ट्रूथ एंड रियलिटी. सो पाकिस्तान के जो ये साइड है टूरिज़म पे, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कुछ जो हो रहा है जो पाकिस्तानी को नहीं पता. आप भूल जाइए कि फॉरेन मार्केट और फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, वो तो बजट ट्रैवलर्स होते हैं ज़्यादातर जो बैक पैक्स लगा के दुनिया फेर रहे होते हैं. ये तो आपके लोकल ट्रैवलर्स हैं जो लग्जरी ट्रैवल पे और जो एक्चुअली स्पेंडिंग करते हैं पूरे मुल्क के अंदर जाके टूरिज़म के ऊपर. ये बहुत अच्छा है. मैं सुन रहा था अपने लोकल फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी जो यहाँ पे इस चैनल को देखते हैं, कि उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला जो उन्हीं के शहर में या शहर से 2 घंटे की ड्राइव पे मौजूद है और उनको नहीं मालूम, चाहे वो फूड हो चाहे वो अच्छी लोकेशंस हो. और ये चैनल तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सही खिदमत कर रहा है मेरे ओपिनियन में.